Hello, all my viewers, and today I'm going to take this question from the chapter EMI and from the topic motional EMF. The question is saying a wheel having metal spoke of 1 meter length between its axis and the rim is rotating in a magnetic field. Your field number given a flux density field. You can check it by unit Tesla, unit SQ. Normal to the plane of the wheel. So, a wheel घूम रही है perpendicular field में. There's बहुत सारे spokes हैं metal के. एन ईम एफ इतना इज प्रोड्यूस बिटवीन द रिम एंड द एक्सल ऑफ द व्हील. तो ये ईम एफ इतना प्रोड्यूस हो गया. रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड. तो हमको इसमें फाइंड करना है कि किस रेट ओमेगा से घूम रहा होगा. अब कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता है कि अगर कोई भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो उसके एंड के अक्रॉस मोमेंट होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू. आर उसकी लेंथ है. अब यहाँ पे क्या है, स्पोक्स बहुत सारे हैं. एक स्पोक ये भी है, एक स्पोक ये भी है, एक स्पोक ये भी है. तो सब में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कुछ कुछ करके. कितना सिंपल, ई जितना हमने निकाला है. यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. लेकिन ये सारे अगर देखिए तो इनका एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये भी है. इन सब के होने की वजह से नेट भी ई रहने वाला है. बिकॉज अगर आप बहुत सारी बैटरी लगा भी दो एक साथ पैरल में, ईएमएफ सबका सेम रखो, तो नेट अगर नाप में जाओगे पैरल में तो वी ए बी वो ई e रहने वाला है. बिकॉज ऑल कनेक्टेड इन पैरल. तो पैरल में ईएमएफ चेंज नहीं आता. डिफरेंस वी ए माइनस वी बी वो ई e रहेगा. इसलिए स्पोक्स लगाने के बावजूद भी ईएमएफ रहने वाला है. तो ई इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू. अच्छा बी कितना पुट कर लेते हैं, 5 × 10^-2. ओमेगा पता नहीं, आर पता है हमको, लेंथ 1 मीटर है, 1 स्क्वायर बाय 2. और ईएमएफ पता है हमको, 22/7 − 3. So this omega will be equal to minus 5, 44/35 × 100. Or this will be in radian per second. मैं पूछा क्या इसने, रेवोल्यूशन में पूछा इसने. एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2π रेडियन. तो अगर एक रेडियन में निकालें तो 1/2π रेवोल्यूशन होता है. तो उसको पुट कर लेते हैं तो 4400/35 रेडियन वाले पुट कर लेते हैं तो ये रेवोल्यूशन में आ जाएगा. बस 2π से इसको हमको डिवाइड करना होगा. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट एग्जैक्टली 20. सो 20 विल बी द ओमेगा इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड. तो सिंपल ये सवाल था, आई बिलीव क्लियर होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.